प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और भाई साहब आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट की मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो भाई आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी छात्र हमारे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा जो कि भाई फिजिक्स का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित होने वाला है, ठीक है ना। जितने भी बच्चे 2025 में फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं भाई, इसको जरूर देखना, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो लगातार कॉमेंट आप करते हैं, तो भाई आज का जो हमारा पेपर है ये आपका कोण होने वाला 346 AB, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 70 नंबर का पेपर रहता है, ये सब चीजें आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें आपको पूरा निर्देश वगैरह पढ़ लेना है। हम लोग क्या करेंगे आज के इस पेपर में, जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, देखिए आपको ज्यादातर प्रॉब्लम भाई न्यूमेरिकल में ही होती है, मुझे पता है। तो आज के इस वीडियो में इस पेपर के अंतर्गत, यानी कि 346 AB कोड का जो पेपर है फिजिक्स का, इसमें आपको न्यूमेरिकल पूरे मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप साथ में ये भी चीज जानेंगे कि यार आखिरकार जो न्यूमेरिकल है, जो डेरिवेशन है, वो किस प्रकार से आते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जो यूपी बोर्ड हमारा है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चनों को क्या करता है, अटैच करके पूछा जाता है, मतलब न्यूमेरिकल भी उसी में लिख देगा और आगे कुछ क्वेश्चन को और चेंज करके, मतलब कुल मिलाकर दिमाग को जो भ्रमित करना बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, बस वीडियो को देखते रहना, शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। तो चलिए देखिए, यहां पर निर्देश आप पढ़ लेना सब चीजें। खंड आ से हम स्टार्टिंग करेंगे और पूरा एकदम लास्ट तक आपको यहां पर देखते जाना है मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखो ऑब्जेक्टिव जो है वो टोटल 6 लगभग ऑब्जेक्टिव आते हैं यूपी बोर्ड में हमारे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताइए क्या होता है। देखो हम लोग इसको क्लास 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 8 में भी आपको शायद ये बताया गया है, छोटा मोटा फॉर्मूला वहां पर भी मिलता है, यानी कि 10th में तो आप पूरा इसको पढ़ते हैं। तो एफ बराबर होता है R/2, आपको पता है ना, एफ बराबर R/2, यानी कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की भाई साहब दोगुनी होती है, या बोले तो यहां पर देखो यही रिलेशन बता रहा ना, R जो है ये आपका R के बटे में 2 है और F इक्वल टू यहाँ पर इस प्रकार। तो यहाँ पर जो R हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर F से दोगुना है, मतलब देखो यहाँ पर सॉरी दिख नहीं रहा था, तो जो F है फोकस दूरी है वो क्या भाई, वक्रता त्रिज्या की आधी है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन होता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इसको आप 2F इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही रूप यहाँ पर मिल रहा है, तो हमारा देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है हर एक क्वेश्चन, और ये AB कोड का है जो, तो इसको आप कर लेना, ठीक है। बाकी चलिए अगले क्वेश्चनों पर हम बढ़ते हैं और मेरे साथ आप ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है देखो कि एक बेलनाकार चालक है ना की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करेगा यार, देखना यहां पर, तापक्रम पर या पदार्थ पर या अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर या किस पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं है, तो यहां पर चौथा जो विकल्प है इसको आप सही कर देना, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो यहां पर आपके सामने खा का देखो सेकेंड ऑप्शन सही है। ऐसे ही आओ अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, यल बटे आर की बीमा बताओ। देखो बीमी सूत्र आपको आने चाहिए, कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में बहुत सारे बीमी सूत्र आपको पढ़ाए गए हैं और इसीलिए यहां पर ये एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो जहां यल भाई साहब क्या है, आपका पूछा गया है यल बटे आर, ठीक है ना, एल बटे आर प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से क्वेश्चन है। तो एल क्या भाई प्रेरकत्व है और आर आपका क्या है प्रतिरोध है, इसका जो बीमी सूत्र होगा क्या होगा, तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन M0L0 और T, ठीक है, तो इसको आप कर लेना यहां पर ऑप्शन थर्ड देखो सही है इसमें, है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन काफी मजेदार है। इसमें बताया गया है भाई कि कह रहा है कि बताओ कि अगर 600 नैनोमीटर, देखो ध्यान समझना ऑब्जेक्टिव है और इसमें थोड़ा ऑप्शन जो है गलत टाइप हो गए थे इसलिए मैं इसको सही करके लिखा हूँ, है ना। तो आप इसको विकल्पों को इनमें ध्यान मत देना, हिंदी में जो वैल्यू है वो दी गई है। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश कह रहा निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। तो बताओ कि माध्यम में, है ना, माध्यम में इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी,
आपको क्या बताना भाई, माध्य में तरंग दैर्घ्य बताना है। देखो विकल्प दिए गए 400 नैनोमीटर, 900 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर और 450 नैनोमीटर। देखो मैं आपको अगर बताऊं, इसको मैं वैसे भी आपको सॉल्व करा सकता हूं, डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन यहां पर देखो आंसर इसका लगभग 400 आएगा। लेकिन इसको भैया सॉल्व कैसे करना है, बोलेंगे सॉल्व करने का थोड़ा तरीका तो हमें आना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो देखो इसको क्या करना, नैनोमीटर को आप जानते हैं, यहां पर क्या करना है, इसमें आप मीटर में इसको चेंज करना पहले, और ये भाई एन का मान दिया गया है ना, अपवर्तनांक है, तो आप इसका जो है डायरेक्ट इसमें क्या करा सकते हैं, भाग करा देना है। मतलब फॉर्मूला होता है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर भाग भी कराएंगे तो आपका ये जो है आंसर आ जाएगा 400 नैनोमीटर, जो कि पहला विकल्प इसमें राइट है आपका, ठीक है। तो इसको आप करना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो, काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन जिसमें कि बताया गया भाई हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा का मान कितना होता है। तो आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ईवी का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि पीएन संधि डायोड, देखो पीएन संधि डायोड से देखो एक क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, लास्ट चैप्टर से, मैंने अंतिम बार जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां है ना, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लास्ट चैप्टर, उससे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा और एक आपका भाई क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर या फिर 5 नंबर के लिए। देखो 3 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जो कि आपके पास एक क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने आपको बताया था पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग, या पीएन संधि डायोड का एक क्वेश्चन है आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। मैंने कई बार बताया कि ये दो क्वेश्चन में से एक पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और एक आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ऐसे यहां पर शुरू में भी ध्यान देना है और लास्ट में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो यहां पर पहले देखते हैं, अवक्षय परत में कह रहा है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर क्या होता है, या आपका अगला विकल्प है भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या बोले तो ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर। तो देखो यही विकल्प आपका सही होगा, जो अवक्षय परत होती है पीएन संधि डायोड में। देखो अवक्षय परत आखिरकार है क्या भाई, हमें कम से कम ये चीज तो पता होनी चाहिए। तो देखो जैसे आप एक पीएन संधि डायोड बनाते हो ऐसे, ठीक है, ऐसा आपने मान लो बनाया ऐसे करके, ये पी प्रकार का आप लगा अर्धचालक है, ये एन प्रकार का मान लो, यहां पर जो बीच का स्थान भाई होता है ये होता है अवक्षय परत। मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पर बीच का स्थान क्या भाई, अवक्षय परत है। अवक्षय परत में ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर। कोटर किसे बोलते हैं भाई, कोटर होता है खाली स्थान, ठीक है ना, मतलब इनसे धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है भाई अवक्षय परत में, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही कोटर वहां पर पाए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब ऑब्जेक्टिव यहां से भाई आपके 6 हो गए, 6 नंबर आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, पूरे के पूरे आंसर आपके सामने देख सकते हैं लिखे गए हैं। अब देखो यहां से थोड़ा थ्योरी है, तो थ्योरी को आप थोड़ा सा अच्छे समझ लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना, और बाकी आपको मैं न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल भाई फिजिक्स में आते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान समझना। देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसकी विमा बताइए। तो भाई विभव के बारे में मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, एक बार थोड़ा देख लो आप थ्योरी को। तो देखो यहां पर आपकी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की ही बात होगी यहां पर वैद्युत विभव में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश यानी प्लस क्यू नॉट, परीक्षण आवेश का मतलब भाई साहब क्यू नॉट, है ना, अगर सिंपल सा आवेश बोलेंगे तो भाई क्यू हो जाएगा, और क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू यानी वर्क को क्या बोलेंगे भाई, परीक्षण आवेश के मान को निष्पत्ति के बराबर होता है। मतलब अगर आपको विभव निकालना है तो भी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ही होगा, ठीक है ना, यानी कि किसी बिंदु से जो है आप अनंत से किसी बिंदु तक क्या है ला रहे हैं आवेश को, तो ये हो जाता है भाई वैद्युत विभव। और मात्रक तो यार सिंपल है, डब्ल्यू मतलब कि कार का मतलब क्या हो जाएगा जूल, और जो क्यू है आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, है ना, बटे में है। बाकी इसको दोनों को मिलाकर वोल्ट भी लिखा जाता है ना, विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। मेन चीज यहां पर इसमें बीमा पूछी गई भाई क्वेश्चन में, तो बीमा देख लो यहां पर विभव की, जो बीमा हो जाएगी वैद्युत विभव की होती है L2T^-3 A^-1, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो थ्योरी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि थ्योरी ज्यादा हम लोग यहां पर अभी बात नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चनों को देखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। और भाई साहब बता दूं ना आपको, ये पेपर हमारा ओरिजिनल पेपर, देखो मैं रियल बताता हूं, ये 2024 का पेपर है आपका रियल, ठीक है ना, याद रखना। इसलिए आप जो बोलते हैं भाई अनसॉल्व कराओ जल्दी जल्दी भैया, तो मैं अब आपको ऐसे ही अनसॉल्व कराता रहूंगा। तो चैनल पर रहें तो आप बने रहिएगा, मैं आपको जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है ना उनको मैं सॉल्व कराता रहूंगा इसी टाइप से आपके सामने ले।
लेकर के। और देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हमारे पूछे गए थे 2024 में, बिल्कुल मतलब रियल पेपर है, आप ये समझ सकते हो, है ना। तो ऐसे ही थ्योरी भी आती है, बाकी आपको देखो पास होने की कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर की दिक्कत है, तो भाई अच्छे नंबर के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो एम्पियर का देखो परिपथी नियम आया था, ये एक एक नंबर वाले यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, या जो भी है बस हमें मेन पॉइंट पकड़ना, जैसे इसमें कला संबद्ध स्रोत आ गया, आगे कुछ भी हो क्या हो, समझते हैं क्या होता है, क्या करते हैं, लिखिए समझाइए, हमसे उससे मतलब नहीं, हमारा आंसर हमें बस देना है, हमने वर्ड को पकड़ लिया, इतना चीज आप लोग याद रखना, मैं हमेशा आपसे यही चीजें कहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए, अर्थ समझाना या आंसर देना एक ही चीज है, जैसे आपको आता हो वैसे आप लोग लिख दो, ठीक है ना। बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए, टोटल देखो 6 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के ये भी रहते हैं, तो एक नंबर का एक क्वेश्चन मतलब यहां से 6 क्वेश्चन, टोटल 6 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन यहां से 6 नंबर का बना, ऑब्जेक्टिव टोटल 6 नंबर का बना, मतलब शुरू के जो क्वेश्चन रहेंगे भाई वो 12 नंबर का यहां तक हो जाता है आपका, कहां तक भाई, तो खंड बा तक, ठीक है ना। तो खंड बा तक में 12 नंबर आपके फिक्स होते हैं। इसके बाद आओ यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं ना, बिल्कुल यार फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं आपको ऐसा बना दूंगा, अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करके लास्ट तक बने रहते हैं तो आप समझ के जाएंगे कि भाई किसी ने हमें क्या पढ़ाया था। आप ये मत देखना कभी, बिल्कुल देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ज्ञान जहां से भी मिलता है हमें उसको लेना चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि भाई मेरे सब्सक्राइबर या मेरे साथ अभी तक छात्र कितने जुड़े हैं, क्योंकि भाई नए नए जो होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके साथ लोग ज्यादा जुड़ना पसंद नहीं करते, उनको लगता है यार यहां पर क्या ही मिलेगा। लेकिन आप ये सोचो ना कि जो चीजें नई जगहों से हमें सीखने को मिलती हैं वो शायद पुरानी जगहों से नहीं होती हैं, क्योंकि अब आप बाकी खुद समझदार हैं, तो बाकी ज्यादातर आपको यहां पर फोकस करना है न्यूमेरिकल पर ही। और चलिए हम लोग देखते हैं भाई यहां से, देखो अब दो नंबर वाले क्वेश्चन, दो नंबर और तीन नंबर के, अब थोड़ा सा यहां से जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होगा। तो देखो कुलाम का नियम भाई सदिश रूप, इसको यार मैंने देखो कराया था, आप लोग सिंपल सा कुलाम का नियम पढ़ के चले आओगे, याद रखना भाई। यहां पर ये क्वेश्चन देखो फंसा दिया, मैंने बताया कि ओरिजिनल पेपर 2024 का है, अब देखो 2024 में पूछा गया ना क्वेश्चन किस टाइप से, कह रहा है कि कुलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। अब यहां पर आप सिंपल सा अगर लिख के चले आए ना कुलाम का नियम जो आपने पढ़ा है, तो समझ लेना वहां पर नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए याद रहे इसका सदिश रूप यानी वेक्टर आपको फॉर्म में लिख के आना पड़ेगा, जो कि मैंने कराया है आपको। अब अगर आप नहीं अभी तक पढ़े तो एक बार सर्च करके इस वीडियो के बाद जस्ट ये क्वेश्चन करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही आपका एक ओम का नियम है, बोलेंगे भैया ओम का नियम तो हमें रटा है, लेकिन भाई इसको आपको श्रांतिकाल अनुगमन वेग के आधार पर फिजिक्स में आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर या श्रांतिकाल के आधार पर सिद्ध करो, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करो, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, सिंपल सा ओम का नियम तो सबको आता है, सिंपल सा कुलाम का नियम तो हमें भी आता है, लेकिन भाई उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखो क्वेश्चन फंसा दिया सदिश रूप, तो फिर आप लोग दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए इतना ध्यान देना। और यही खासियत यहां पर इस चैनल पर आपको बताई जाती है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसको मैं आपको कराता हूं। चलिए देखो न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें कह रहा है 400 फेरे हैं, जिसमें कि 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, और यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF का मान ज्ञात कीजिए, और यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात करिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस टेंशन नहीं करना, मेरे साथ आपको जुड़े रहना है, एक क्वेश्चन का सलूशन यहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा आपको टेंशन वगैरह लेना नहीं है, इसमें बस करना क्या है, क्वेश्चन का आपको आंसर निकालने के लिए 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए यहां पर हम करते हैं थोड़ा सा इसमें, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें आखिरकार हमारा जो फॉर्मूला है वह कैसे होगा। फॉर्मूला हमें देखो, मैंने बताया ना कि न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले जरूरी होते हैं, और चीज़ें आपको जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कराता हूँ, सारी चीज़ें पूरा एकदम गारंटी के साथ देता हूँ भाई। यहाँ पर कम से कम मैंने लगभग यूट्यूब पर पढ़ाते हुए मुझे 4 साल हो गए, देखिए आपको बता दूँ पहली बात, तो लगभग 2021 से मतलब मैंने जैसे 20 में इंटर किया था उसके बाद से मैं लगातार जो है पढ़ा रहा, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं यार कि अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 साल पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हो जाता है ना, तो ये
चीजें आप लोग मान सकते हो। बाकी यहां पर देखो इनके लिए फॉर्मूले मैंने बताया, पूरा कंप्लीट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप अगर तक नहीं अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ले करके न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीजें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ा रहा हूं। बाकी आपको 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटन कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। 9511470534 इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर देना है कि भैया मुझे नोट चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा भाई पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्मेट। अब 99 रुपए में आप सोचो कि घर आएंगे तो ऐसा नहीं है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा व्हाट्सएप पर ही ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर के साथ साथ सेट क्वेश्चन पेपर, उसी में सारी चीजें पूरा, ठीक है ना, 99 रुपए में। तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक कुंडली का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें हमें निकालना क्या है, पहले विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए देखो इसमें जो सूत्र लगेगा वो आपका लगता है E बराबर या EMF बराबर, बोले तो विद्युत वाहक बल भी आप लिख सकते हो, विद्युत वाहक बल है ना, बल ऐसे, या इसी को आप E कर लो ऐसे। गा नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इस प्रकार से डाल दो। ये जो सूत्र लगेगा वो होता है भाई माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी फाई अपॉन डी टी ऐसे, यहां पर सॉरी एन लगा दो, एन क्या है, फेरों की संख्या है, इस टाइप से रहता है। अब इसी को आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई ये दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का, यहां पर वैल्यू दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया गया। लेकिन यहां पर हमारे पास ये सूत्र में भी ये फॉर्म नहीं है, जिस फॉर्म में ये वैल्यू है उसी फॉर्मेट में हमें सूत्र भी लगाना पड़ेगा, इतना तो आप अच्छे से जानते हैं। तो देखो यही जो सूत्र होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तरीके हमें पता होने चाहिए, इसको आप लिख सकते हो ई बराबर माइनस डेल्टा, डेल्टा या डी लिख सकते हो, है ना, वही चीजें हैं, परिवर्तन की दर, बी ए अपॉन यहां पर होता है डेल्टा टी ऐसे, ठीक है ना, ये भी फॉर्मेट वही है। और इसी को आप देखो एक फॉर्मेट में ए जो है आपका ये भाई एरिया हो गया, ए को आप इधर ले आओ, देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पर एन सॉरी लगाना भूल जाते हैं, तो इसी को आप एक फॉर्म में और लिख सकते हो यहां पर कैसे, तो यहां पर आप लिख सकते हो माइनस एन ए और यहां पर भाई डेल्टा बी अंदर बच जाएगा, डेल्टा बी होल अपान क्या भाई डेल्टा टी, यानी कि टाइम का जो परिवर्तन है वो दिखा रहा। तो ये वाला सूत्र आपके पास आया निकल करके, अब ये सूत्र आपको लगाना है, ठीक है ना, ई बराबर ये वाला जो फॉर्मूला इसको, तो देखना। अब यहां पर पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूं जो कि इस क्वेश्चन पेपर में वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, गिवेन वैल्यू को, तो देखना लिखना मेरे साथ यहां पर गिवेन वैल्यू कौन कौन सी है। आपके पास इस क्वेश्चन में फेरों की संख्या दी गई है जो कि 400 है ना, तो एन का मान दिया गया है एन इक्वल टू कितना भाई 400 फेरे है ना, इसी साथ भाई क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब बोले तो ए का मान दिया गया है, तो ए का मान कितना है, देखो ए का मान है 100, क्या है ना, यहां पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दो आप लोग ए का वैल्यू, यानी कि आपके पास है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में, भाई मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जिसके के लिए आपको क्या करना है 100 के साथ आपको गुणा कराना है, 10 का आते माइनस 4, तो ये मीटर में हो गया है ना, मीटर स्क्वायर में ऐसे। अब ये चीज ए का मान हो गया, इसको देखो आप थोड़ा सा परिवर्तित करके भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर देखो मेरे साथ ए बराबर ये 2 जीरो इसके हैं और इसका क्या है भाई 4 है, माइनस का तो माइनस का 2 बच जाएगा, ये 0 इसके साथ सम्मिलित हो जाएंगे जैसे ही, है ना, तो ये आप जो है इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पर 400 लिख दिए क्या, ये 100 है यार, है ना, 100 है, तो अब यहाँ पर भाई इसके 2 जीरो चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 1, है ना, 1.10^-2 मीटर स्क्वायर, इतना ये बच गया। अब आओ देखो यहाँ पर डेल्टा बी का मान कितना भाई, डेल्टा बी का मान है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू यहाँ पर 0.20 है ना, तो इसको भी लिख दो यहाँ पर, डेल्टा बी का मान 0.20 है ना, 0.20, तो ये आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, तो मात्रक आप लिख देना है ना, ये मात्रक जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में, मतलब कि टाइम दिया गया है, ठीक है, तो डेल्टा टी का भी वैल्यू दिया गया है, डेल्टा टी का भी मान है ना, टाइम कितना 0.1 किसमें है भाई सेकंड में ऐसे, ये चीजें दी गई हैं। अब देखो इस सूत्र में सारा वैल्यू यहां पर हमारे सामने आ चुका है, अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो चलो मैं आपके सामने देखो रखता हूं, ई बराबर हमारा सूत्र क्या है भाई, सूत्र है हमारा ई बराबर माइनस, देखना ध्यान से, माइनस एन, एन का भाई क्या मान है 400, तो लिखेंगे 400 ए आपके पास है, फिर यहां पर तो गुड़े में करो ए, ए का मान कितना है? देखो आपके सामने ये रहा, तो 1×10^(-2) कितना भाई पावर है माइनस का 2 का, है ना, सिंपल है ना। अब देखो यहां से आओ आगे, इसके बाद अंदर डेल्टा बी है, डेल्टा बी का मान कितना है, ये रहा 0.20 है ना, तो लिख दो 0.20
और बटे में भाई डेल्टा टी, डेल्टा टी का मान कितना है 0.1 या आप 10 भी कर सकते हो, है ना। तो दोनों में पॉइंट सेम सेम है, दोनों कट जाएंगे भाई, दो बचेगा यहाँ पर, सिंपल सा दो बच जाएगा, है ना, दो बचेगा सिंपल सा। और अब देखना यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा, इसमें आपका जो है थोड़ा सा चेंजेस क्या आ रहा है, चेंजेस ये आ रहा है कि आपको ये बताया गया था कि 400 फेरे हैं जिसमें 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए। देखो ये पॉइंट बताया गया था शून्य, है ना, तो भाई ये टाइम के साथ जो है शून्य हो रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, जीरो से यहाँ पर घटा देना है इसको। यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूले में हम मिस्टेक करें, फॉर्मूला सही, बस इतना रखते टाइम वैल्यू को आपको ध्यान देना, 0.-0.20 इतना कर देना, जीरो से घटाना क्योंकि शून्य से जो है घट रहा ना इस टाइम के साथ। तो जब इतना करेंगे तो देखो ये वैल्यू अगली बार क्या आएगी, ये अगली बार चेंज होगी, ई बराबर -400, है ना, 400 को आप अब देखो इसको थोड़ा चेंज कर दो, ये 400 के दो जीरो जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 400 को अगर आप चाहो तो देखो इस टाइप से लिख सकते हो ना, 400 है भाई, तो 400 को आप इस टाइप से लिख सकते हो, 4×10 के घाते कितना भाई प्लस का दो, और ये प्लस का दो है, ये माइनस का दो उसी के साथ में, तो ये दोनों कैंसिल ना हो जाएंगे, तो भाई ये कट गया, मतलब यहाँ पर टोटल हमारा 4 बच गया अगले स्टेप में। अब यहाँ से भाई इसका बचे कितना, माइनस का ये दशमलव गया, ये माइनस लगा था बीच में, तो ये माइनस का दो बच जाएगा, तो माइनस का दो और माइनस का 4 ये दोनों है ना, तो माइनस माइनस भाई प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आएगा, 4×2 यानी 8, है ना, 8 आपका आ गया, और ये क्या है, विद्युत वाहक बल है ई, है ना, जो कि विद्युत वाहक बल का मात्रक आपका वोल्ट हो जाता है, ठीक है, तो 8 वोल्ट ये वैल्यू आई। अभी हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें जो है विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के बाद कुंडली में यदि 4 ओम का प्रतिरोध हो तो धारा का भी मान ज्ञात करो। तो अब देखना धारा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर सिंपल सा, लिखना है क्या दिया गया भाई, कह रहा है कि कुंडली का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है, तो यहाँ पर लिखो कुंडली का, देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा भाई अगर अच्छे नंबर चाहिए तो, कुंडली का प्रतिरोध और अच्छी हैंडराइटिंग, मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही, व्हाइट पेज भी है ना, तो कुंडली का प्रतिरोध है यहाँ पर 4 ओम, है ना, और कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात करनी है, तो देखो लिखेंगे प्रेरित धारा आई बराबर होता है ई अपॉन आर, ये सूत्र होता है, इस सूत्र को आप याद कर लेना या आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना 99 रुपये में, तो आपको ये फॉर्मूले मैं उसी में सम्मिलित कर दूँ, फिजिक्स के सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले, केमिस्ट्री के भी सारे फॉर्मूले, जिससे कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप कर लेना, बाकी एक एक करके आप अपने से भी बना लो, अगर फॉर्मूला सीट हो सके ना तो बना लेना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई उसके बिना अब समझ लो कि फिजिक्स अधूरी ही है। तो आई बराबर देखो यहाँ पर आई बराबर हमने क्या निकाला, ई बटे आर, ई का मान कितना निकाले हैं 8, तो 8 लिख दो यहाँ पर, बटे में आर का मान कितना है 4 ओम, तो 8/4 यानी कि बचा कितना 4×2 यानी 2 एम्पियर, बस इतना आपका ये यहाँ से काम इसका समाप्त है, इतना करना है, सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। तो ये देखो पूरा न्यूमेरिकल आ चुका है, मैंने आप करा दिया कि कैसे आखिरकार इसको हमें करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भाई, संधि डायोड का विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य, देखो ये भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से क्वेश्चन बन गया है ना, तो ये क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा समझ लो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको यार प्लीज आप करके जाना। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है, देखो खंड दा पे अगर देखो तो यहाँ पर पहला अपवाह वेग आप जानते हैं किसे बोलते हैं, अनुगमन वेग को, ठीक है ना, धारा घना, तो अनुगमन वेग में संबंध मैंने कम से कम आपको 5 से 6 बार पढ़ा दिया है, और हर बार जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है हर बार ये क्वेश्चन देखो आता है, और मैंने बताया कि 2024 का ओरिजिनल पेपर है, अब इसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की है, ये बोर्ड के द्वारा आया गया 2024 का पेपर है, और आपको एग्जाम देना है 2025 में, तो समझ लो इससे कैसे क्वेश्चन बने हैं और 25 में कैसे क्वेश्चन टपकेंगे आपके, और इसी से रिलेटेड यार बुक देखो वही रहती है, हर बार सिलेबस वही रहता है, क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, कहीं बाहर से थोड़ा आपका IIT लेबस UPSC लेबस से क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे, आपकी इसी बुक से आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन बस मत लो, बस चीज़ों को समझो अच्छे से, पढ़ाई बस करो, ठीक है ना। तो ये हो गया परिभाषा अनुगमन वेग की, और अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या है संबंध, मतलब वही चीज़ मैं जो बता रहा था कि धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखो आ गया। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, और इसमें भाई कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 8×10^24 प्रति मीटर हो, तो उनका अनुगमन वेग आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब आपको निकालना है क्या इसमें भाई अनुगमन
कॉमन बैग। तो चलिए देखो यहां पर थोड़ा चीजों को समझना, मैं आपको इसको क्या करता हूं सॉल्व करा देता हूं और फिर आप देखो समझ जाओगे। मैंने आपको आपसे शुरू में ही प्रॉमिस किया कि यार न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आज का हमारा वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं भाई और जाके देख लेना, बहुत ही कम चैनलों पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाते होंगे, ठीक है। और मुझे पता है भाई न्यूमेरिकल की वैल्यू ट्वेल्थ में कितनी होती है, और अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लो, ये मैं आपसे एक ही वर्ड में कहना चाहूँगा कि अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया तो फिजिक्स में कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं यहाँ पर 40 या 35 से ज़्यादा नंबर लेकर के आऊँगा या आऊँगी, कभी एक्सपेक्ट मत करना भाई, कोई नहीं देगा नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए समझ लो कि न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स की सांसें अधूरी हैं। चलो तो यहाँ पर देखना क्या कह रहा है कि धारा क्या है, 6.4 एम्पियर की धारा, I का मान दिया गया है। तो देखो इसमें एक सूत्र आपको लगाना है, जो कि सूत्र सबसे देखो इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होता। पहले धारा घनत्व तो अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो ये सूत्र होता है आई बराबर होता है भाई वीडी, वीडी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग बोलते हैं, ठीक है ना। आई बराबर वीडी एन ई ए, ये सूत्र होता है, है ना। अब देखो बोलेंगे यहाँ पर भैया ए हमारा जो एरिया है वो तो यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इस सूत्र के अलग फॉर्मेट भी होते हैं कई सारे, तो वो फॉर्मेट हमें यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसा सूत्र, जैसा हमारा क्वेश्चन कहेगा भाई हम वैसा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा, है ना। तो देखो इसमें आपको एक सिंपल सा मैं सूत्र बता दूं, आपको भीड़ी निकालना, ज़्यादा भ्रमित मत होना, सूत्र को याद कर लेना, आराम से आपको आ जाएगा। तो सूत्र आपका होता है भाई यहाँ पर ध्यान देना, वी डी इक्वल टू आई अपॉन ई, और यहाँ पर होता है एन अपॉन एल, इतना ये सूत्र होता है। बोलेंगे ये तो भैया हमने कहीं पढ़ा नहीं, भाई पढ़े हो आप लोग, आप ध्यान से देखना फिजिक्स में सूत्र आपका ये है, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूँ कि वो नोट्स आप परचेस करना, आपको मिल जाएंगे, बाकी अच्छे से मैं आपको यहाँ पर भी देखो कराता हूँ, सारी चीज़ें फ्री यार, यूट्यूब पर आप चाहे जो चाहे वो सर्च करके आप देख सकते हैं, बस टाइप को टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए। तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अब देखो आई का मान भाई दिया गया 6.4 एम्पियर, ई भाई क्या है, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमारा, है ना, कितना होता है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलम। एन अपॉन एल जो है वो क्या है भाई, एन अपॉन एल का जो मान है वो यहां पर दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि एकांक लंबाई के लिए बोले तो कह रहा ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 घात 24 प्रति मीटर हो, तो यही है भाई एन बटे एल। एन भाई आपका क्या है, कोई चालक तार है, जैसे आपका मान लीजिए ये चालक तार है ना, ऐसे ऐसे चालक तार है ये, तो इसमें जो ये एरिया रहता है यहाँ पर एकांक लंबाई पर, ये एरिया को हम लोग एन बोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक लंबाई के लिए, बाकी इसकी लंबाई आपकी पूरी एल हो जाएगी, है ना, ऐसे। तो ये चीज़ें हैं, बस आपको इसमें समझ लेना। तो ये सूत्र पे आओ, बाकी वैल्यू देखो ये सब चीज़ें दी गई, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू को रख देते हैं और आपके सामने पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं। वी डी इक्वल टू आई, आई का मान कितना है 6.4, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से समझना, थोड़ा सा जगह कम रहती है तो इसलिए थोड़ा नहीं हो पाता है, तो एडजस्ट करना आप लोग। ये देखिए दिया गया 6.4, और ये मैंने बताया कि आपका ये क्या दिया गया, एन अपॉन एल का मान, ई का मान हमें पता ही है, तो 8 गुणे 10 घात 24 बटे में आओ आप लोग, ई का मान हम लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है माइनस का 19, है ना, कूलम, गुणे एन अपॉन एल को मैंने बताया 8 गुणे 10 घात कितना दिया गया है माइनस प्लस का 24 सॉरी प्लस का 24 ऐसे ये दिया गया है। आप देखो इतना जब आप रख लोगे तो अब यहाँ से काम आसान हो जाएगा हमारा सॉल्व करना। कैसे, देखो ये आपका मान लो कि पॉइंट लगा है, इसमें भी एक पॉइंट लगा है, इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट मुक्त हो गया, दोनों के एक पॉइंट है ना, एक अंक के बाद दस हम लोग लगे हैं, तो हम भाई हटा देते हैं डायरेक्ट, तो 16 बन गया 64, 16 चौक 64, तो यहाँ पर आप काट दो डायरेक्ट, तो ये चार बार में कट जाएगा। ऐसे ही चार से आप 8 को काट दो भाई, 4 दुनाई 8, ये 2 बच गया, है ना। तो ऊपर क्या बचा, एक बचा, बटे में क्या बचा भाई, 2 बच गया, है ना, और बाकी का इनको आप घातों को घटा बढ़ा लो। तो चलिए फिर कर लेते हैं, टेंशन मत लेना, बहुत ही इजी टेक्निक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और यही ट्रिक आपको बताता हूं कि भाई न्यूमेरिकल में मेन कैलकुलेशन जो होता है उस पर ज्यादा आप फोकस करना, कभी टेंशन मत लेना दिमाग में यार, आप बस मतलब दिमाग में चीज़ों को अगर हावी कर लोगे तो फिर वहाँ चीज़ें बिगड़ जाते हैं, और मुझे भी पता है जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर टेंशन लेकर के बर्बाद होते हैं, तो आप टेंशन मत लेना कभी। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, एक बच गया, बटे में मैंने बताया बटे में 2 बच गया, गुणे में करो देखो यहाँ पर जो बटे की चीज़ है 19 है माइनस का और प्लस का 24 है, तो 9, 5, 14 मतलब 5 का फर्क है दोनों में, तो भाई ये जो माइनस वाली संख्या है वो भाई छोटी है और प्लस वाली बड़ी, तो बचेगा कितना 10 घाते प्लस का 5 बचेगा। वही चीज़ जो है 10 घाते प्लस का 5 जो है ऊपर जाएगा तो भाई
बन जाएगा क्या, माइनस का 5। भाई नीचे प्लस का था ऊपर गया तो भाई माइनस का बन गया। अब इसको देखो, 1/2, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 का भाग 1 में जब कराओगे तो 0.5 बनेगा। कितना बनेगा भैया, बोलेंगे भैया ये तो हमें आता था, तो बोलेंगे हाँ आ रहा है 0.5 बनेगा, गुणे में भाई 10 की पावर कितना है, माइनस का 5 पहले से है। तो अब क्या करो, VD इक्वल टू आप लिख दो, इसका पॉइंट मुक्त करके 5 इसको कर दो, और इसका जो भाई यहाँ पर 10 की पावर 5 है वो बन जाएगा 10 की पावर -6, क्योंकि हमने इसका दशमलव इसमें सम्मिलित कर दिया। तो बस ये VD का मान यानी अनुगमन वेग आपके पास आ गया, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड लिख दो। बस इसमें देखो कुछ नहीं था, इतना आप लोग सोच रहे थे, मेन आपका यहाँ पर क्वेश्चन फंसाता है फॉर्मूले में, अगर सूत्र कर ले गए तो भाई समझ लेना कि क्वेश्चन का आप लोग एकदम धुआं कर दोगे, ठीक है ना। और धुआं अगर करना है तो भाई टॉपर गैलेक्सी से आपको जुड़ करके रहना पड़ेगा अमित भैया के साथ, और सारी चीजें हम पॉसिबल बनाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में, भाई 1000 बार आपको बता चुका हूं, विभव के लिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इनमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा अच्छी और निरक्षीय स्थिति में। देख लो बना निरक्षीय स्थिति में, 2025 में आपका यहाँ पर अच्छी स्थिति के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज करके जाना, वरना फिर भाई मैं नहीं कह सकता कुछ इससे आगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, अगर इससे बंधन ऊर्जा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन थ्योरी का। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक रेडियो में 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक बैंड के किसी स्टेशन से संस्वरित हो सकता है, तो संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा। अगला, लॉरेंजबल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित करिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। भाई अथवा में भी इसमें क्वेश्चन देखो है, तो अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान से समझना आप लोग अथवा वाला क्वेश्चन। देखो ये सारे के सारे जो ज्यादातर डेरिवेशन है ना, वो सेकंड पार्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए और प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट करो। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का पहले इसमें देखो डेरिवेशन पूछा है, और जैसे कि आपको उसमें जो जो चीज़ें आएंगी, एच आएगा, प्लांक नियतांक है, या जो भी चीज़ें हैं उसको आपको बताना है अर्थ स्पष्ट करके, मतलब बता देना कि ये हाँ ये चीज़ है, सी आया है, अगर बता देना है कि प्रकाश की चाल है, मतलब जो भी वैल्यू आए उसको आप बताना है, ये है ना। अगला क्वेश्चन भाई, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए, एन प्रकार के अर्धचालक क्या है और इनकी संरचना, और फिर आपका स्टार्ट होता है यहां से भाई खंडिया, जिसमें कि पूरे 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, दीर्घ वाले। देखो पहला पूछा है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मैंने आपसे अभी बताया इस पेपर को, मैंने बताया ना कि 2024 का है, मैंने आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला, है ना, बिल्कुल रियल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, 2024 में आया हुआ पेपर है। अब ये आपके सामने है अच्छी स्थिति, तो अब बताओ क्या इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहीं अदर से आपका UPSC के सिलेबस से उठा के क्वेश्चन पूछेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, टेंशन मत लो भाई, आप जुड़े हैं, बहुत ही अच्छी जगह पर आप आए हैं, ये तो मैं कहूँगा, ठीक है। और लास्ट तक बने भी रहना, मैं आपके साथ कभी ये धोखेबाजी वाला काम नहीं करूँगा कि भैया ये पेपर पढ़ लो, पूरे थ्योरी लेकर के आ जाऊँ कि यही पढ़ लो, यही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बहुत ही डिफरेंट लेवल का पेपर आता है। और ये बात जो आप सुन रहे हैं ना, आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपका फरवरी में एग्जाम होगा, भाई जब फरवरी में एग्जाम होगा आप इस बात को याद करोगे कि भैया किसी ने बताया था आपको, मतलब सभी लोग अपने अच्छे के लिए भाई बोलते हैं, आप इस चैनल पर पढ़ रहे हो, अदर चैनल पर आप चले जाओगे या अदर जगह कहीं आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में भी चले जाओगे, आपके टीचर जो है या जो मतलब ऐसा आपका मतलब भलाई तो लगभग बहुत ही कम लोग चाहते हैं ना यार, आप यही चाहेंगे कि हमारा भला हो भाई, हमारा कोचिंग चले, हमारा चैनल चले, तो आपसे बोलेंगे यही आएगा यही आएगा। लेकिन यार आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोग भोले होते हो, बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, आप टीचर जो बोल देंगे कहेंगे हाँ यही भाई आ गया, और जब पेपर आएगा अगर वो चीज नहीं है तो समझ लो आपके साथ धोखा हो गया ना। तो ऐसा नहीं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहीं पर पढ़ो, लेकिन मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो भाई है, ठीक है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये करना है तो वो आप करोगे, इससे आपका भला होगा, और बाकी अगर आप चाहते हो कि वही थ्योरी वाली चीजें तो भाई अदर जगह से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अथवा में देखो, गॉस का प्रमेय इसी से बन गया या अच्छी स्थिति, इन्हीं में से मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो ये इसका अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का, देख सकते हैं आवेशित समतल चादर के निकट, ये आ गया ना पूरा, तो अथवा में है। देखो इनसे 5 नंबर फिक्स है आपका पहले चैप्टर से, जो मैं आपको 4 क्वेश्चन बताया हूँ। बाकी इसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लो आप लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम हो गया, उल्लेख कीजिए यह किस संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अथवा में क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर से है भाई, ट्रांसफार्मर का मैंने पूरा 5 नंबर बताया था ना, कि इसमें ट्रांसफार्मर के प्रकार, अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर, फिर उसकी कार्य विधि के बारे में बताना है ना, पूरा चित्र के साथ
ये आपका देखो आ गया, तो अथवा करके है भले, लेकिन हाँ आया है ना। अब इसके बाद देखो अगला है एक पांच नंबर का भाई, इसमें न्यूमेरिकल देखो आपके सामने पूरा है ना, ये न्यूमेरिकल है। इसी के अथवा में भाई एक क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर थ्योरी है, तो मतलब जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आपके सामने विकल्प रहेगा कि आपसे अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं बनता तो फिर डेरिवेशन दे देगा या कोई मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि डेरिवेशन ही देंगे, है ना। जैसे इसमें आप देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए, तो ये आपका लॉन्ग में बन जाएगा थोड़ा सा। अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो फिर आप इसको कर दोगे, जिसमें प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात करना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बाकी बनते हैं। यूपी बोर्ड में हमारी यही खासियत है भाई, यूपी बोर्ड सबसे बोल सकते हो हार्ड है एकदम भाई। अलग बोर्ड में चले जाओ ना, एमपी बोर्ड, मुझे पता है एमपी बोर्ड का भी हम सिलेबस देखें अच्छे तरीके से और हमने पढ़ाया भी है कुछ दिनों तक, तो देखो वहाँ पर क्या होता है भाई, बहुत सारे चांसेस रहते हैं अथवा अथवा करके क्वेश्चन काफ़ी सारे रहते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में वैसा नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग में बस अथवा आपको मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में आपको चांसेस नहीं रहते हैं, तो ज़्यादातर ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यही यार 2 से 3 महीने का टाइम है, उसके बाद तो फिर आप पछतावा ही कर सकते हैं, उसके बाद कुछ कर नहीं पाएंगे। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है, किसी संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत, ये पश्च अभिनत इसको बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत को भाई पश्च अभिनत भी बोला जाता है, कि अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए, अथवा में एक क्वेश्चन है भाई न्यूमेरिकल से। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर था जो कि मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप ये बताना क्या ऐसे पेपर प्रीवियस ईयर के लगातार आपके सामने लाए जाएं या नहीं। अगर आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन को देख करके, आप इसको कुछ सीख रहे हैं, तो भाई मैं आपके सामने ऐसे पेपर लाता रहूंगा। बाकी आपको ये नोट्स अगर चाहिए जो मैंने बताया पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, आपका भी ड्रीम है कि हमें 90+ या 95+ जाना है, तो भाई आप जरूर करना अच्छे तरीके से तैयारी, और पूरा हैंड रिटन कंप्लीट आपको 99 रुपए में प्रोवाइड ही करा रहा हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, लेकिन हाँ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ये चीज याद रखना, आपके होम डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।